सहकार दोस्तों, आज आपके इस धरने में आकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो साथी हम अभी एक गीत गा रहा था वो हिंदुस्तान की परंपरा बता रहा कि हिंदुस्तान ने दुनिया को रास्ता दिखाया। परंतु आज की जो सरकार है वो तो ये कहते हैं कि 70 साल में कुछ करे नहीं, सारा कुछ हमने इसके। और ये गीत भी मेरे ख्याल 40-45 साल पुराना है, जिसमें ये बताया गया कि हमने लोगों को सभ्यता हमने सिखाई, हमने लोगों को बहुत कुछ दिया। आज ऐसे हालात इस देश और प्रदेश में बनाए जा रहे हैं कि जो कुछ है कि वो लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं। देश बहुत लंबे समय तक हमारा गुलाम रहा और हम नमन करते हैं उन शहीदों को कि जिन्होंने छाती पे गोलियां खाई, फांसी के फंदे चूमे, अंग्रेजों की जेलें काटी, देश आजाद हुआ। और जब देश आजाद हुआ तो उस समय अंग्रेज कहते थे कि देश चलेगा कैसे, अलग अलग भाषाओं का देश, अलग अलग जाति और धर्म में बटा हुआ देश, अलग अलग रियासतों का देश। परंतु उस चुनौती को स्वीकार करते हुए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जब संविधान निर्माण की जिम्मेवारी उनको दी गई, हम नमन करते हैं कि संविधान में उन्होंने सबको बराबरी का अधिकार दिया और हमें बोलने का अधिकार दिया, अपनी बात रखने का अधिकार दिया। परंतु आज जो सरकार है, आज अगर वो शांतिपूर्वक तरीके से अपनी बात रखता है, ये उनपे भी लक्ष्य लाने का काम करते हैं। और हरियाणा प्रदेश की सरकार का मैं जिक्र करूं कि अगर कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए गए तो उनपे लठ चलाए। हमारी बहनें बेटियां करनाल के अंदर आंगनवाड़ी की और हमारे जो आशा वर्कर थी वो गए तो नारा तो है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, उनको भी लठ मारे। सरपंचों की चुनी पंचायतों को अधिकार लगातार खत्म कर रहे हैं, रिकॉलिंग का करते हैं, राइट टू रिकॉल एमएलए एमपी पे है नहीं, सरपंच पे वोट देने का काम करते हैं। तो ये प्रजातंत्र का मायना भूलने लगे। और जहां तक आज हरियाणा प्रदेश की सरकार का मैं जिक्र करूं, हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री जो कि वित्त मंत्री भी, जिन्होंने विधानसभा के अंदर जब बजट पेश किया ये कहा कि हमने 9 साल के अंदर जो बजट 60,000 का हरियाणा प्रदेश का सालाना होता था उसको 3 गुना से भी ज्यादा करने का काम किया, यानी कि 1,80,000 करोड़ से ऊपर का बजट ले गए। अगर 1,80,000 करोड़ का बजट है तो खट्टर साहब या दुष्यंत को घर से थोड़ी ले आए। सरकार के खजाने में जो पैसा होता है वो जनता का होता है और सरकार को एक जिम्मेवारी सौंपी जाती है कि उस पैसे का सही इस्तेमाल। अगर आप लोगों को आज क्यों बैठना पड़ा, अगर हमारा बजट 3 गुना है तो फिर कर्मचारी को पूरा वेतन देते हो क्या दिक्कत, क्यों दिक्कत आ रही है? सरकार को बताना चाहिए जब सरकार के खजाने में पैसा है और पैसा इकट्ठे करने वाले कौन है, कलेक्शन करने वाले तो आप लोग बैठे हैं, कट्टर और मैं तो नहीं करता, यहां से भी कलेक्शन होती आप लोग करते हैं, आपकी स्कीमें बढ़ती हैं, आप लोग कलेक्शन करते हैं। और हरियाणा प्रदेश सरकारें किसी की भी नहीं हो, हरियाणा प्रदेश में चाहे गन्ने के रेट की बात करें, चाहे वेतन की बात करें, चाहे बुजुर्ग के पेंशन की बात करें, पूरे देश में हरियाणा प्रदेश का सबसे ज्यादा। और मुझे जिस प्रकार से बताया गया कि आज जो डिमांड आप कर रहे हैं 35,000 की, ये पंजाब में पूरी होगी और हरियाणा उसके आते पे खड़ा है। पंजाब तो हमारे पीछे लग के चलता था, हरियाणा प्रदेश में कर्जा पंजाब से बहुत कम होता था, आज पंजाब से कर्जा भी हमारा ज्यादा हो गया। तो इस प्रकार को सरकार को आपकी बात सुननी चाहिए, सरकार जिद नहीं करनी चाहिए,
प्रजातंत्र के अंदर लोगों की बात सुनो, लोगों की बात सुनकर उनकी समस्या का हल करो। तो आज आपके इस धरने पे मैं सरकार से मांग करता हूं कि ये जो लोग बैठे हैं ये इसी प्रदेश के लोग हैं, ये आपकी जनता है जिन्होंने आपको चुनकर विधानसभा और पार्लियामेंट भेजा है। सरकार बनाने वाले ये लोग हैं। एक तरफ तो बेरोजगारी बढ़ रही, हरियाणा प्रदेश बेरोजगारी में आज देश में नंबर एक पे चला गया। एक तरफ आप पक्की को नौकरियां खत्म करते जा रहे हो, कच्ची नौकरियां कौशल विकास में देते हो और उसमें भी कह देते हो कि ये पक्के कभी नहीं होंगे। अरे वो पक्के होंगे नहीं, ये रिटायर होते जा रहे, रोजगार तो है ही नहीं। अरे जोड़ से बचे हुए हैं इनको तो ठीक ढंग से रख लो, इनको भी ठीक ढंग से नहीं रखते। तो मैं आपकी मांग का समर्थन करता हूं। सरकार ने जब संविधान निर्माण की जिम्मेवारी उनको दी गई, हम नमन करते हैं कि संविधान में उन्होंने सबको बराबरी का अधिकार दिया और हमें बोलने का अधिकार दिया, अपनी बात रखने का अधिकार दिया। परंतु आज जो सरकार है, आज अगर वो शांतिपूर्वक तरीके से अपनी बात रखता है, ये उनपे भी लठ चलाने का काम करते हैं। और हरियाणा प्रदेश की सरकार का मैं जिक्र करूं कि अगर कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए गए तो उन पे लठ चलाए। हमारी बहनें बेटियां करनाल के अंदर आंगनवाड़ी की और हमारे जो आशा वर्कर थी वो गए तो नारा तो है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, उनको भी लठ मारे। सरपंचों की चुनी पंचायतों को अधिकार लगातार खत्म कर रहे हैं, रिकॉलिंग का करते हैं, राइट टू रिकॉल एमएलए एमपी पे है नहीं, सरपंच पे छोड़ दे रहे हैं, काम करते हैं। तो ये प्रजातंत्र का मायना भूले बैठे हैं। और जहां तक आज हरियाणा प्रदेश की सरकार का मैं जिक्र करूं, हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री जो कि वित्त मंत्री भी, जिन्होंने विधानसभा के अंदर जब बजट पेश किया ये कहा कि हमने 9 साल के अंदर जो बजट 60,000 का हरियाणा प्रदेश का सालाना होता था उसको 3 गुना से भी ज्यादा करने का काम किया, यानी कि 1,80,000 करोड़ से ऊपर का बजट ले गए। अगर 1,80,000 करोड़ का बजट है तो खट्टर साहब या दुष्यंत को घर से थोड़ी ले आए। सरकार के खजाने में जो पैसा होता है वो जनता का होता है और सरकार को एक जिम्मेवारी सौंपी जाती है कि उस पैसे का सही इस्तेमाल। अगर आप लोगों को आज क्यों बैठना पड़ा, अगर हमारा बजट 3 गुना है तो फिर कर्मचारी को पूरा वेतन देते हो क्या दिक्कत, क्यों दिक्कत आ रही है? सरकार को बताना चाहिए जब सरकार के खजाने में पैसा है और पैसा इकट्ठे करने वाले कौन है? इलेक्शन करने वाले तो आप लोग बैठे हैं, कट्टर और मैं तो नहीं करता, यहां से भी इलेक्शन होती आप लोग करते हैं, आपकी स्कीमें बढ़ती हैं, आप लोग इलेक्शन करते हैं। और हरियाणा प्रदेश सरकारें किसी की भी नहीं हो, हरियाणा प्रदेश में चाहे गन्ने के रेट की बात करें, चाहे वेतन की बात करें, चाहे बुजुर्ग के पेंशन की बात करें, पूरे देश में हरियाणा प्रदेश का सबसे ज्यादा। और मुझे जिस प्रकार से बताया गया कि आज जो डिमांड आप कर रहे हैं 35,000 की, ये पंजाब में पूरी होगी और हरियाणा उसके आते पे खड़ा है। पंजाब तो हमारे पीछे लग के चलता था, हरियाणा प्रदेश में कर्जा पंजाब से बहुत कम होता था, आज पंजाब से कर्जा भी हमारा ज्यादा हो गया। तो इस प्रकार को सरकार को आपकी बात सुननी चाहिए, सरकार जिद नहीं करनी चाहिए। प्रजातंत्र के अंदर लोगों की बात सुनो, लोगों की बात सुनकर उनकी समस्या का हल करो। तो आज आपके इस धरने पे मैं सरकार से मांग करता हूं कि ये जो लोग बैठे हैं ये इसी प्रदेश के लोग हैं, ये आपकी जनता है जिन्होंने आपको चुनकर विधानसभा और पार्लियामेंट भेजा है। सरकार बनाने वाले ये लोग हैं। एक तरफ तो बेरोजगारी बढ़ रही, हरियाणा प्रदेश बेरोजगारी में आज देश में नंबर एक पे चला गया। एक तरफ आप पक्की को नौकरियां खत्म करते जा रहे हो, कच्ची नौकरियां कौशल विकास में देते हो और उसमें भी कह देते हो कि ये पक्के कभी नहीं होंगे। अरे वो पक्के होंगे नहीं, ये रिटायर होते जा रहे, रोजगार तो है ही नहीं।
और जो उनसे बचे हुए हैं इनको तो ठीक ढंग से रख लो, इनको भी ठीक ढंग से नहीं रखते। तो मैं आपकी मांग का समर्थन करता हूँ, सरकार से मांग